तो क्विक न्यूज में मेरे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर एच आर गुप्ता जो कि चेयरमैन भी। मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि रचना सागर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है रचना सागर्स क्रिकेट लीग का, तो इसे कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा एफर्ट है रचना सागर का, क्योंकि मुझे पता है कि रचना सागर पहले से ही बड़े क्रिकेट लवर्स हैं। पहले इनका पब्लिकेशंस का टूर्नामेंट होता था, उसमें भी काफ़ी ऑर्गेनाइज यही टीम करती थी रचना सागर की। तो अच्छी बात है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद इनको समय मिलता है एंजॉय करने का, और एंजॉय के साथ साथ एक स्प्रिट है, खेल की भावना बहुत अच्छी है लोगों में, बड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा सीरियसली गेम को लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी तरह खेल रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़न गेम एक लीग, फन लीग मैं कहूँगा कि आयोजित की गई है और इसके अंदर मेल फीमेल दोनों को रखा गया, दोनों को क्रिकेटर बना दिया गया, मैं कहूँगा कि एम्प्लॉय को लेकर सब लोग अभी इस टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं। इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं कि मेल फीमेल दोनों क्रिकेटर बन गए? दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलनी चाहिए, यहाँ भी मिली है सबको। जो भी फीमेल इंटरेस्टेड थी उनको लिया गया है, खेल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे फीमेल हो या मेल। बड़ी खुशी है कि फीमेल्स को भी रचना सागर ने अपॉर्चुनिटी दी है और आगे भी ये फीमेल अच्छा कर पाएंगी, मेरी आशा है। कितना मेंटली फिट हो पाएंगे एम्प्लॉयज़, कितना ज़रूरत है खेल के लिए और कितना ज़रूरी है कि इस लीग को जो है वो आगे कंटिन्यू किया जाए? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है इस तरह के, नॉट ओनली क्रिकेट लीग और भी फुटबॉल या किसी और तरह की लीग भी अगर मौका मिले एम्प्लॉयज़ को तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद और महीनों तक काम करने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने फिज़िकली फिट हों। तो इन गेमों से एम्प्लॉयज़ फिज़िकली फिट भी होते हैं, उनका दिमाग भी खुलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मैच ऑर्गेनाइज करना, और रचना सागर भी काफ़ी लोगों को मौका देता है इस मामले में। तो मुझे खुशी है कि इस तरह के टूर्नामेंट आगे भी चलते रहें। जी हाँ, तो मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा एचआर जी की, सीनियर मोस्ट पर्सन है आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जितने भी लोग यहाँ पर खेले हैं, लगभग 100 लोगों की मेंबरशिप है जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लीग में, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या मैसेज ऑर्गेनाइज़र को देना चाहेंगे कि आगे किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ करते रहें? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अभी तो 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ जहाँ इनके ऑफिस हैं वहाँ भी उनको मौका मिलना चाहिए, वहाँ भी इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। एक लोगों को एक जैसे एक कॉम्प्लेक्स होता है ना कुछ स्टेट्स का, वो मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएं और बाकी लोगों को भी मौका दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को फिजिकली और मेंटली फिट होना। जी हाँ, देखिए तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर एच आर गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है और इस तरीके की लीग या फिर इस तरीके के खेलों को आयोजित करवाना बहुत ज़रूरी है, खासकर एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो सके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका फ़ायदा जो है खेलने के बाद मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को। बने रहिएगा क्विक न्यूज़ के साथ, क्योंकि पल पल के अपडेट रचना सागर क्रिकेट लीग की हम आपको पहुँचाते रहेंगे।